हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक मेंट का एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे, अगर आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करते हो तो आपको यूट्यूब कितना पैसा पे करता है, इवन उसके साथ साथ आपके जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स है वो लोग कितना पैसा इनकम करता है, इस सारा चीज़ का अंदाज़ा आज आप लोग को इस वीडियो के थ्रू लग जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैंने 5 कैटेगरी पे डिवाइड किया है। पहली बात है कि आप जब यूट्यूब पे आते हो तो आप यूट्यूब पे कितने तरीकों से पैसा इनकम कर सकते हो। दूसरा नंबर पे जो है कि कितना टाइम लगता है आपको एक जगह तक पहुंचने के लिए, एक अच्छा खासा इनकम करने के लिए यूट्यूब पे। तीसरा जो चीज़ है दोस्तों, यूट्यूब पे $1 कितने व्यूज़ पे मिलता है। चौथा जो चीज़ है दोस्तों, अगर आप किसी भी जॉब पे हो या पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप यूट्यूब को कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं, आपको वो जॉब या पढ़ाई छोड़ने का कोई ज़रूरत है कि नहीं। एंड लास्ट में जो बात करेंगे वो है कि मेरा यूट्यूब का अर्निंग कितना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता देते कि मेरा यूट्यूब का जो अर्निंग है वो मैं वीडियो के बीच में कभी भी आप लोगों को बता सकता हूँ, तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड जरूर से जरूर कमेंट कर देना। तो अब दोस्तों चलो बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है कि यूट्यूबर्स लोग कितने कितने तरीकों से पैसा कमाता है। पहला जो बात है कि आप लोगों को एडसेंस के बारे में तो पता ही होगा कि अगर आप यूट्यूब पे एक चैनल ओपन करते हो तो आपके चैनल पे जो एक क्राइटेरिया है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटा। यह अगर कंप्लीट हो जाए तो आपका जो चैनल है वो हो जाता है मोनिटाइज। मोनिटाइज हो जाने के बाद आपके वीडियो पे बहुत सारे एड्स आने लगते हैं और उसी एड का पैसा एडसेंस अकाउंट पे जाता है और एक महीने के एक टाइम के बाद वो आपके अकाउंट आ जाता है। तो ये हो जाता है पहला इनकम प्रोसेस एक यूट्यूबर का। दूसरा जो इनकम प्रोसेस है वो है स्पॉन्सरशिप। बेसिकली दोस्तों ये जो स्पॉन्सरशिप का पैसा है ये एडसेंस के सामने, मतलब इसके सामने एडसेंस का पैसा कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप से आप लोगों को मिलता है। अब देखो दोस्तों मेरे चैनल पे उतना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। इवन मैंने स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है एक दो दिन पहले, आप लोग जाकर आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हो। तो स्पॉन्सरशिप जो आता है उसको मैं बहुत सोच समझ के ध्यान दे के मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, चलो छोड़ो वो अलग बात है। अब देखो जो स्पॉन्सरशिप आता है वो उसका भी बहुत सारे क्राइटेरिया रहता है। जैसे अगर आपके चैनल पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स है, अगर आपका व्यूज अच्छा खासा आता है, इवन जिस चीज का आपको स्पॉन्सरशिप मिलने वाला है उस टाइप का जो ऑडियंस है वो आपके चैनल पे है कि नहीं, ये सारे चीज के ऊपर डिपेंड करने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप का जो इनविटेशन है ये आता है। अब ये स्पॉन्सरशिप हो जाने के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, मान लो मैं एक फोन का अनबॉक्सिंग किया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं एक फोन का अनबॉक्सिंग किया, उसके बाद उस फोन का जो लिंक है बाइंग लिंक उसका एक एफिलिएट लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। अब आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहां से इस फोन को बाय कर सकते हो। अब जब इस फोन को उस लिंक से बाय करोगे उससे क्या होगा, मान लो मैं अमेजन का लिंक दिया है आप लोगों को एफिलिएट का, तो उस लिंक से जब बाय करोगे तो मेरे को अमेजन से कुछ छोटा मोटा कमीशन मिल जाएगा। अब हो सकता है ये 2-10-12% के अंदर ये कमीशन जो है वो लाइक करता है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है मर्चेंडाइज। अब ये मर्चेंडाइज जो ये छोटे चैनल के लिए कोई काम का नहीं है, इसके लिए आपके चैनल जो है वो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा खासा रीच होना चाहिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, तब जाके ये जो मर्चेंडाइज है ये थोड़ा काम करता है। आप आपका अपना एक खुद का मर्चेंडाइज ओपन कर सकते हो जहाँ पर आप टी शर्ट कप्स मग्स ये सब चीज़ को सेल कर सकते हो, अपना जो ब्रांडिंग है उसको धब्बा लगा के। तो ये चार बेसिकली चीज़ है जो वे है यहाँ से यूट्यूबर्स लोग पैसा कमाते हैं। अब आते हैं कि मेन जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइम। अब यूट्यूब पे अच्छा खासा पैसा इनकम करने का या ग्रो करने का कितना टाइम लगता है। अब दोस्तों मैं अगर पहले मेरा बात करूं तो मेरा इस यूट्यूब चैनल पे आके लगभग 2 साल होने जा रहा है। अब ये 2 साल में मैंने एक जगह तक पहुंचा है जो मैं पिछले 1.5 साल पे भी नहीं पहुंचा था। जब मैं 1.5 साल कंप्लीट किया तब मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ था, अब मेरा शायद 1 साल 7-8 महीना होने वाला है तो मेरा 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो 1 साल के अंदर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाते हैं बिकॉज उसका कंटेंट जो है वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो 4-5 साल तक मेहनत किए जाते हैं बट उसका 100K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं होता है। इवन
ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जो एक महीना, दो महीना, तीन महीने के अंदर डिमोटिवेट होकर यूट्यूब को छोड़ देता है। तो बेसिकली ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट आपके ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हो, और उसी के ऊपर आपका जो सब्सक्राइबर्स है, आपका जो ग्रोथ है, आपका जो अर्निंग है, सारा चीज डिपेंड करता है। अब बात करते हैं तीसरा चीज का। तीसरा जो चीज है वो है कि $1 हम लोगों को कितने व्यूज पे अभी मिलता है। देखो मेरा टेक चैनल है, यहाँ पे अभी मैं अगर लगभग आप लोगों को बताओ ऑन एन एवरेज तो मेरे को 5,500 व्यूज पे, मतलब 5,000, 5,500, 6,000 व्यूज के अंदर $1 मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके का कीवर्ड यूज कर रहे हो। अगर आप हाई सीपीसी वाला कीवर्ड के यूज कर रहे हो तो आपका जो अर्निंग है वो ज्यादा होगा। अब ये डिपेंड करता है कुछ कुछ टाइम पे, जैसे राखी के टाइम, दिवाली के टाइम, क्रिसमस के टाइम, इस टाइम पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए उस टाइम पे जो अर्निंग है वो और ज्यादा होता है। मान लो उस टाइम पे आपका 2,000-2,500 व्यूज पे भी $1 मिल सकता है, चांस है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताया कि मेरा 5,000-6,000 व्यूज के अंदर $1 मिलता है, ये कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि मेरा 10,000 व्यूज पे भी $1 नहीं बन रहा है, कभी कभी हो सकता है कि 2,000-2,500 पे भी $1 अभी बन जा रहा है, तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है। आप किस तरीके का कीवर्ड को यूज कर रहे हो उसी के ऊपर बेस करके आपका जो अर्निंग्स है या आपका जो डॉलर है वो काउंट होता है। अब कुछ चैनल्स है जिसपे बहुत ज़्यादा जो अर्निंग है वो आ जाता है बहुत कम व्यूज पे, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहता है, ये वेरिएबल नंबर्स है। अब चौथे चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है कि आप अगर एक जॉब कर रहे हो या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो सारे चीज़ को छोड़ के यूट्यूब पे आना है या आप उसके साथ साथ यूट्यूब को कंटिन्यू कर सकते हो। देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब जो है उसको आप एज आप टेम्पररी और एज अ पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से ही पकड़ो। ऐसा नहीं है कि इसको प्राइमरी पकड़ना है। आप जिस जॉब कर रहे हो उस जॉब को करो, उस जॉब को करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले उस टाइम को आप यूट्यूब पे इन्वेस्ट करो एज अ एक्स्ट्रा इनकम। जैसे मैं एक एमएनसी पे जॉब करता हूँ तो जॉब के बाद मेरे को जो टाइम मिलता है वो टाइम मैं अभी यूट्यूब पे देता हूँ। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों कि अगर आप आपके जॉब को छोड़ दोगे और आप यूट्यूब पे भी ग्रो नहीं कर पाए तो आपका दोनों साइड गया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास 10 पे हो, 12 पे हो, उस टाइम पे जाके आप सोचो कि नहीं आप मेरे को यूट्यूब पे ही फोकस करना है, मैं अपना पढ़ाई छोड़ देता हूँ, फिर जाके आप कुछ दिन बाद देखा कि आपका यूट्यूब जो है वो भी नहीं चला, आपका पढ़ाई जो है वो भी चल गया। तो इसलिए मेरा सजेशन दोस्तों यही रहेगा कि हमेशा से यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम लो, जब तक आपको एक अच्छा खासा बिल्डअप ना हो जाए यूट्यूब पे। मान लो आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए और आपका जो इनकम है वो आपको ये पता लग गया कि मैं कुछ भी करूँ मेरे को महीने 20,000-30,000-50,000 रुपया फिक्स्ड यूट्यूब से वो आएगा ही आएगा, तब तक आपको दूसरा किसी जॉब या दूसरा किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। बट यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, सब कोई बोलेगा कि एक टाइम के बाद आप छोड़ के यूट्यूब पे आ सकते हो। देखो भाई कोई सर्टेनिटी नहीं है यूट्यूब का, यूट्यूब आज है कल नहीं भी रह सकता है, तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा आप कितने भी ग्रो कर जाओ यूट्यूब पे, आपको आपका जो पहला जॉब है या पहला जो काम आप कर रहे हो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप आपके जॉब के साथ साथ यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हो बहुत अच्छा है, दोनों चीज को कंटिन्यू करो तभी जाकर आप इन फ्यूचर और ज्यादा बड़ा बन सकते हो। अब लास्ट जिस चीज के बारे में बात करूंगा दोस्तों वो है कि मेरा अर्निंग कितना है यूट्यूब पे। बाकी सबके अर्निंग का तो छोड़ दो भाई, अब मेरा अर्निंग में आप लोगों को बता देता हूं। तो इसी हिसाब से आप लोग अगर इस चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो और आगे बढ़ेंगे, और जितने भी अर्निंग्स होगा उसको हम अपने चैनल पे इन्वेस्ट करके आप लोग को और अच्छा खासा कंटेंट और अच्छा खासा क्वालिटी कंटेंट उसके साथ साथ क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर हो सके तो ज़रूर से ज़रूर और ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि हम लोग और ज़्यादा आगे जा सके। तो दोस्तों बस आज की वीडियो पे इतना ही बताना था, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।